नमस्कार। टीचर एजुकेशन इन इंडिया इज लाइफ नाउ, और इसके लिए मैं सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करती हूँ डॉक्टर सोमू सिंह जी का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पर इस माध्यम से जुड़ सकूँ आप सब से और अपने विचार आपसे साझा कर सकूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो विषय है, ऐसी आपदा का काल है और हम सब फिर भी लॉकडाउन है और शायद फिजिकल रूप से कहते हैं ना, भौतिक रूप से शायद भले ही ना जुड़ पा रहे हों, लेकिन एक आभासी दुनिया है और ये एक आभासी कक्षा भी है। तो मैं आप सभी का हृदय से बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ सोमू जी का कि आपने मुझे ये आमंत्रण दिया और मुझे ये अवसर दिया है। संगीत कक्षा का महत्व, ये आज का विषय है और एक संवाद, एक जो मैं अपने विचार आपको साझा करना चाहती हूँ, मैं इसमें आपको शेयर करना चाहूँगी। शुरू से ही विज्ञान की विद्यार्थी रहने पर भी मेरे मन में, क्योंकि संगीत पसंद था, तो मुझे इस विषय के प्रति बहुत चाव था, बहुत आकर्षण था। और विद्यालयों में जैसा कि देखती थी कि जब संगीत की कक्षा हुआ करती थी तो बड़ा आनंद आता था। तो धीमे धीमे फिर ये इस पर विचार करने की इच्छा हुई कि आखिर ये कक्षा क्यों सभी लोगों के पसंद की होती है। तो फिर जब विचार किया तो बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिनसे मैं धीमे धीमे अवगत होती गई और संगीत ने की जो वाग्देवीन हैं उन्होंने प्रकट कर दिया कि क्यों संगीत की कक्षा का इतना महत्व है। चाहे विद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, संगीत आज क्यों इनका अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। तो सबसे पहले क्योंकि शिक्षा विद्या की देवी सरस्वती, संगीत विद्या की देवी सरस्वती हैं और उन तक गुरु ने हमें पहुंचाया, तो सर्वप्रथम गुरु को नमन करती हूँ, गुरुओं को। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे। सरस्वती की वंदना करती हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या
शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। वाग्देवी इस अथाह संगीत के सागर में मैं कहीं डूब न जाऊं, इस भय से वो दो तुम्बों वाली वीणा को धारण करती हैं, वहन करती हैं। कहा गया है तुम्बरु वहति वक्षसी। तो जिस अगाध सागर, संगीत के सागर में उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो भी कहती है कि कहीं मैं इस अथाह में डूब न जाऊं, अथाह समुद्र में मैं डूब न जाऊं, और दो तुम्बे वाली वीणा को धारण करती है कि वो शायद उनकी रक्षा करेगी। तो ऐसा अवलंबन है संगीत जो हम मुझे और सभी जो इसके साधक हैं, जो इसकी भक्ति करते हैं, जो इसके विद्यार्थी हैं, उनको इस भाव से मुक्त कराती है। हमारे यहाँ कहा भी गया है सा विद्या या विमुक्तये। तो ऐसी विद्या हमारे गुरु देते हैं कि ज्ञान तो देते हैं परंतु उसके बाद मुक्त कर देते हैं, विद्या प्राप्त करके वो आगे बढ़ा देते हैं कि आप अपनी यात्रा आप आगे करिए, अन्य लोगों को आप इसका ज्ञान दीजिए। तो मैं जिस बिंदु पर थी कि संगीत कक्षा का क्या महत्व है, हम जानते हैं कि मानव प्रकृति, मानव ने प्रकृति से ही सब कुछ सीखा है और प्रकृति जो है वो मानव की शिक्षण संस्था है, या यूं कहें कि सीखने की, सिखाने की, जहाँ प्रकृति हमें सिखाती है ऐसी एक कक्षा है जहाँ पे हम उसका अनुकरण करते हैं, उससे ही सीखते हैं, उससे ही हमने सीखा है। तो हम देखेंगे कि प्रकृति जो है वो संगीतमय है। अपने जो इस आज का जो ये शीर्षक है, आज की जो मैं विचार व्यक्त कर रही हूँ उसकी पुष्टि हेतु मैं कुछ प्रमाण प्रस्तुत करना चाहूँगी। और आप देखिए कि प्रकृति जो है वो संगीतमय है। आप नदी में उठती हुई तरंगों को देख लीजिए, उनके लय को, उनके उठने गिरने को देखिए। आप समुद्र की लहरों को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसकी लय को आप देखेंगे, उसकी ध्वनि को आप सुनेंगे। जो हवा बहती है, मलय समीर, हम सभी आज जो कोरोना काल है देखते हैं प्रकृति बड़ी प्रसन्न है। वैसे मतलब उस हिसाब से देखना चाहिए तो प्रकृति आनंद में है, बहुत शुद्धिकरण की अवस्था में है इस समय प्रकृति। हम नित पक्षियों का कलरव सुन रहे हैं और ये सभी चीज़ आप देख सकते हैं, जो रिपल्स पानी में उठती हैं, तरंगे उठती हैं, उनको आप देख सकते हैं, उसकी लय को देख सकते हैं और संगीत के दर्शन कर सकते हैं, पक्षियों के कलरव को देख सकते हैं, वृक्षों के नृत्य करने को, मयूर के नृत्य करने को देख करके आप देख सकते हैं कि सब संगीत से आबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। और ऐसे ही हमने भी संगीत सीखा। लेकिन संगीत आखिर इतना मानव को प्रभावित करता क्यों है, क्यों संगीत ही? तो इसके प्रमाण के रूप में मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वर के संगीत के दो उपकरण हैं, एक स्वर, दूसरा लय। स्वर और लय, इनके ही संयोग से
हम संगीत की उपलब्धि करते हैं, हमें संगीत प्राप्त होता है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो संगीत है वो सार्वभौमिक है, समस्त विश्व में सभी प्राणियों को ये पसंद है। अब तो ये भी प्रमाण मिलने लगे हैं कि जीव जड़ सभी को ये आकर्षित करता है। तो जब संगीत पशु पक्षी जीव जड़ सबको प्रभावित करता है, तो मानव तो एक प्रकृति की श्रेष्ठ कृति कही जाएगी, विवेकी मानव। तो पुनः विषय पर अगर हम दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि संगीत का मूल है ध्वनि, और ध्वनि तो एक फिजिक्स की चीज़ है। और ये जो ध्वनि है, जिसे हम ध्वनि को सांगीतिक भाषा में नाद की संज्ञा दी जाती है, नाद। और आप देखते हैं कि समस्त जगत के जो व्यवहार हैं वो नाद पर या ध्वनि पर आधारित है। नाद को संगीत में ब्रह्म स्वरूप कहा गया है, साक्षात परम शक्तिमान सत्ता। आपने बिग बैंग की थ्योरी पढ़ी होगी, और सृष्टि का आदि कारण ध्वनि, एक उससे ही सृष्टि का जन्म हुआ, सृष्टि हुई। तो हम ये कहना चाहेंगे कि समस्त जगत जो है नाद के अधीन है। हम देखिए, आज ध्वनि का ही एक उत्कृष्ट रूप है भाषा, और भाषा के माध्यम से मैं आपसे संवाद कर पा रही हूँ। अगर भाषा ना होती तो शायद, अगर किसी मुद्रा के वजह से मैं अगर आपसे बात करती होती तो शायद वो नृत्य की भंगिमाओं में आ जाता। लेकिन भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम ध्वनि के रूप में हमें प्राप्त होता है, और जगत के समस्त व्यवहार इस पर चलते हैं। संगीत की भी अपनी एक अनोखी भाषा है, जिसे हम स्वर कहते हैं, और स्वरों की संख्या 7 है। मैं आपको थोड़ा सा उसको गा करके सुनाती हूँ। सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। और ऐसी एक कथा है कि इन सभी 7 स्वरों का जन्म जो है वो पशु पक्षी प्रकृति से ही हमें ये सभी स्वर प्राप्त हुए। तो फिर हम देखते हैं कि प्रकृति से ये स्वर हमारे तक पहुँचे हैं। एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि स्वर हमें क्यों प्रभावित करते हैं, या कोई स्वर हमें क्यों नहीं अच्छा लगता। तो जो बातें सामने आती हैं वो है स्वर का माधुर्य। क्यों किसी का स्वर हमें पसंद है, किसी की आवाज़ हमें पसंद है, या किसी की आवाज़ हमें नहीं पसंद है? तो उसका कारण यही है, स्वर माधुर्य, स्वर का गांभीर्य, स्वर की मृदुता, स्वर की स्निग्धता, या योग अगर नहीं अच्छा लगता तो स्वर की कर्कशता। तो ये सब ध्वनि के और नाद के गुण हैं। नाद 2 प्रकार का है, आहत और अनाहत। आहत मींस स्ट्रक साउंड, और अनाहत अनहद जिसको कहते हैं, अनस्ट्रक साउंड। तो आहत नाद जो है वो जो अभी हमने 7 स्वर किए वो आहत नाद की श्रेणी में आ जाएंगे, और अनहद जो है वो मेडिटेशन की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में जो संगीत साधक हैं, ऋषि महर्षि हैं, उन्होंने अनहद को सुना है। और कबीरदास जी ने भी तो कहा है कि जब अनहद बाजा बाजे तो साईं संग विराजे। जब वो अनहद का श्रवण हम करते हैं
तो साई हमारे संग, वो परम तत्व हमारे संग विराजमान हो जाता है। ये सारी बातें मैं अपने विषय की पुष्टि हेतु कर रही हूँ कि क्यों ये हमें इतना पसंद लगता है और क्यों संगीत कक्षा इतनी अच्छी लगती है, इसकी पुष्टि हेतु मैं ये बात कह रही हूँ। एक छोटा सा कबीर दास जी का भजन मुझे याद आता है, आपको सुनाती हूँ। रस मंद मंदर बाजता, रस मंद मंदर, रस मंद मंदर बाजता, बाहिर सुने तो क्या सुना, रस मंद मंदर बाजता, बाहिर सुने तो क्या सुना, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता, रस मंद मंदर बाजता, रस मंद मंदर बाजता, बाहिर सुने तो क्या सुना, सुनता नहीं धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं खबर अनहद का बाजा बाजता। पोथी किताबे बाचता, पोथी किताबे बाचता, औरों को नित समझावता, पोथी किताबे बाचता, औरों को नित समझावता, दर घट घट महल खो जा नहीं, बक बक मरा तो क्या मरा, सुनता नहीं तू बेखबर अनहद का बाजा बाजता, सुनता नहीं तू बेखबर अनहद का बाजा बाजता, रस मंद मंदर बाजता, बाहिर सुने तो क्या सुना, सुन कबीर का ये भजन अनहद की महत्ता को बताने के लिए बहुत उचित लगा मुझे। अभी स्वरों की बात हो रही थी कि स्वर की स्निग्धता पसंद आती है मानव को। अगर आप कक्षा में किसी बालक बालिका को अपने पास बुलाते हैं और प्रेम पूर्वक बुलाते हैं, आवाज़ में स्निग्धता मृदुता के साथ बुलाते हैं, तो आपके पास दौड़ा चला आएगा। परंतु वहीं अगर एक कड़क आवाज़ गूंजती हो कि इधर आ, तो बालक या बालिका आपके पास आएंगे तो ज़रूर, परंतु कुछ भयभीत अवस्था में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपकी आवाज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसीलिए आपको मृदु संगीत मधुर संगीत अच्छा लगता है। वहीं कर्णकटु जो होता है, जैसे मान लीजिए जनरेटर की आवाज़ है, तो वो संगीत या ध्वनि ऐसी श्रेणी में ही नहीं आता, उसे रव कहते हैं। तो केवल मधुर ध्वनियाँ जो हैं वो संगीत की श्रेणी में आती हैं। चूँकि ये संगीत की कक्षा है, मैं बताना चाहूँगी कि संगीत में वो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। संगीत कहते हैं हमारी स्मृति को पर बहुत प्रभाव डालता है। कैसे प्रभाव डालता है वो मैं इस तरह से बताना चाहूँगी। अगर आप छोटे लोअर केजी के बच्चे को अगर आप ABCD या क ख ग या कु
कुछ भी अगर आपको याद कराना है, अगर गीत के माध्यम से करा देंगे तो वो उसको मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कहते हैं ना, बाल्यपन में जो याद की हुई चीज़ें भूलती नहीं, ऐसे अगर हम क ख ग घ को सुर में पिरो दें, क ख ग घ अंग च छ झ झ ई ञ ट ठ ड ड न प फ ब भ म, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कई सारी इस तरह के कैसेट्स भी उपलब्ध हैं जहाँ पे बच्चों को स्वर के माध्यम से याद कराया जाता है। यहाँ पे मुझे एक बड़ी एक सुंदर सी एक कथा याद आती है। संगीत या जो भी बाल्यकाल से शुरू हो जाना चाहिए शिक्षण, उसके विषय में सोक्रेटिस के पास एक बार एक महिला गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को संगीत शुरू करवाना चाहती हूँ, संगीत की शिक्षा या ऐसे भी शिक्षा मैं शुरू कराना चाहती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपका बच्चे की आयु क्या है, तो महिला ने कहा 4 वर्ष। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब कि आप इस समय 4 वर्ष और 9 महीने पीछे चल रही हैं, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा रहता है उस समय से ही उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। और संगीत इसी तरह की विद्या है, माता जो सुनती है, इसीलिए कहते हैं कि माता को अच्छी चीज़ें सुनाई जाएं तो उसके बच्चे पर भी उसका प्रभाव होगा। स्वर और लय उपकरण जन्म के पूर्व से इस प्रकार से हमसे जुड़ जाते हैं कि आप देखिए कि जीवंतता का प्रमाण यदि चिकित्सक हैं तो अगर गर्भस्थ शिशु है तो वो जीवित है या नहीं इस हेतु देखते हैं कि उसमें हार्ट बीट है कि नहीं। यही लय है, यही संगीत जिसके उपकरण लय है वो यहाँ से प्रारंभ है, जन्म के पूर्व से ही। और जैसे ही शिशु जन्म लेता है वो रोता है, वो स्वर से उसका प्रथम परिचय होता है। और आप ये भी देखते हैं कि ब्रीदिंग उसकी सही होती है, अगर बच्चा रोता नहीं तो चिकित्सक उसको रुलाने का प्रयास करते हैं। तो स्वर से प्रथम परिचय, लय स्वर जो है, ऐसे दोनों उपकरण हैं जो कि हमसे देखिए कितने पहले से पूर्व से जुड़े रहते हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा असर करते हैं। संगीत की कक्षा क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि ये तनाव मुक्त करती है। मैं जब पढ़ाती थी तो देखती थी कि सब विषय तो बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं की कक्षा शुरू होती है और संगीत की कक्षा रहती है तो एकदम तनाव मुक्त आनंद की अवस्था में, कि कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, बड़ा खूब बातचीत हो रही है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इट मेक्स यू टेंशन फ्री। संगीत ऐसा है जो आपको तनाव मुक्त करता है, ये तनाव मुक्ति का साधन है। ये उत्साह का संचार करता है, इसीलिए इतना उत्साह भर जाता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ प्रस्तुत कर पाएंगे। बच्चा सृजनात्मक होता है, सृजन करना चाहता है। जब वो सृजन करता है और उसके लिए उसे प्रशंसा मिलती है तो उसमें उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिसके कारण वो अन्य विषयों पर भी बहुत एकाग्र होने लगता है। तो इसलिए भी संगीत की कक्षा आवश्यक है। संगीत सर्वदा नव सृजन के लिए प्रेरित करता है। कोई अच्छा कविता करता है, कोई अच्छा नाटक करता है, कोई नृत्य करता है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा वादन करता है, तो हमेशा बच्चों को एनकरेज करना चाहिए उस हेतु, और क्योंकि उनमें सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, जिसको आप प्रभाव आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं। धैर्य की वृद्धि करता है। आज कहते हैं कि बच्चा बड़ा अधीर है, बहुत ओवर एक्टिव है, बहुत अधीर है, लेकिन संगीत की जो शिक्षा है वो धैर्य लाती है। कि कैसे धैर्य का विकास होता है, क्योंकि एक एक स्वर पे
टिकाव करना बताया जाता है। और कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं, सबसे जब स्वर उच्चारण कराया जाता है तो सब अपनी बारी आने तक शांत बैठते हैं। उनको जो शिक्षक हैं वो कहते हैं आप शांत बैठिए, बेटा तुम गाओ सा, उसने सा बोला, दूसरा बच्चा चुप है, जब उसकी बारी आएगी तब वह गाएगा या बोलेगा। तो इस तरह से अपनी बारी की प्रतीक्षा करना, और इस वजह से उनमें एक स्वानुशासन की जो भावना है वो भी दृढ़ होती है, वो भी पुष्ट होती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े वैज्ञानिक, उनकी भी संगीत में रुचि थी, आइंस्टाइन भी थे, वो भी वायलिन वादन किया करते थे। तो इस तरह से आप देखिए कि संगीत जिन जिन लोगों ने अन्य विषयों के साथ भी किया तो उनके विषय को एक और बल मिला। आपकी रचनात्मकता में वृद्धि करता है संगीत, आप ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, विभिन्न रचनाएं करते हैं। और जैसा हमने हम लोग ने देखा कि कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, इन दोनों भावात्मक पक्ष पे हमारे संगीत उसको पुष्ट करता है, उस पर असर डालता है, परंतु कॉग्निटिव से रिश्ता जो होता है दोनों के बीच बैलेंस क्रिएट करता है। कहीं पर ऐसी बात मैं सुन रही थी कि बुद्धि की पुष्टता के लिए, उसकी पुष्टि के लिए तो हम बहुत सी तरह के विषय पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, परंतु मन की पुष्टि के लिए क्या? मन जो कि इतना चंचल है, और उसकी गिजा क्या है? तो उसकी गिजा जो है वो है संगीत। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम, इन तीनों का समुच्चय है संगीत। जो करें आनंद से करें, आनंद में रहें, कोई बोझ नहीं है, कोई भी विषय बोझ स्वरूप नहीं लगने चाहिए, उसमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। आप संगीत में देखिए भौतिक विज्ञान ऐसे इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, बहुत से विषय, मैथमेटिक्स है, जब हम ताल की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स से जुड़ जाता है। तो और जब आप शांति की कामना करते हैं तो थेरेपी से जुड़ जाता है, चिकित्सा से जुड़ जाता है, कितने विविध आयाम हैं इसके। आप दूर देश बैठे हुए हैं, आपको अचानक मातृभूमि की याद आई और आपने कहीं एक कजरी सुनी, आपको मैं थोड़ा सा गुनगुना के सुनाती हूँ। सावनी बहार बत कटना हमार, यह सावनी बहार बत कटना हमार, बत कटना हमार, बत कटना हमार, कोई फायदा न निकली दलील से, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना, पिया मेहंदी लिया द मोती झील से, जाके साइकिल से ना। इस प्रकार आपको अपनी मिट्टी से जोड़ता है, आपको पुनः उसका आनंद उठता है। तो कहीं ऐसे ही बात उठी थी कि इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम खाली बुद्धि की बात करते करते मन के पक्ष को भूल जाएं, कहीं से मन कमज़ोर रह जाए तो हमारी जो आने वाली संतति होगी वो बड़े से सिर वाली और बहुत छोटे से दिल वाली होगी, बहुत छोटे मन वाली होगी। तो अगर मन की पुष्टि और विकास करना है तो संगीत उसका बहुत ही एक प्रभावशाली माध्यम है, हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको वेंटिलेट करता है, हम अपने भावों को दबा के ना बैठे। आज के समय में, आज के समाज में बहुत आप देखिए विचलन की स्थिति हो जाती है, क्योंकि भावाभी व्यक्ति का कोई माध्यम नहीं मिलता या उसे इतना प्रबल नहीं रखा जाता। तो कहने का तात्पर्य ये
कि भाव पक्ष का विकास करता है संगीत, और ये होना ही चाहिए। प्रत्येक बालक बालिका के भाव पक्ष को बहुत मजबूती मिलनी चाहिए, तभी हम जो आपका जो पर्सनैलिटी है उसको बैलेंस पर्सनैलिटी के रूप में जान पाएंगे। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, उसके विकास में भी संगीत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आपको संस्कारित करता है, लोक में जो भी संस्कार हैं वो गीतों के माध्यम से आप देखते हैं। गांवों में लोग ढोलक की ताल पर इत्यादि गाते बजाते रहते हैं और आनंद लेते हैं, कितने खुश रहते हैं। तो संगीत खुशी का माध्यम है, संगीत आनंद का माध्यम है। इसलिए जो भावाभिव्यक्ति है वो बहुत आवश्यक है, और वो संगीत जिसमें गीत वाद्य नृत्य और नाटक सभी कुछ विराजमान हैं, उससे संबद्ध हैं, तो इनके विकास की ओर, इस भावात्मक पक्ष के विकास की ओर, उस पर भावनात्मक पक्ष के विकास की भी बात पर बहुत बल दिया जाना चाहिए, और ये हम संगीत के माध्यम से कर सकते हैं। मैं एक कबीर के भजन को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगी। विचार करके देखिए कि वैदिक काल में संगीत की कक्षाएं कैसी रहती होंगी।
थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। हरि ओम शन्नो मित्रह शं वरुणह शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शांति शांति शांति। उस काल से आज के वर्तमान तक जबकि माध्यम बदल रहे हैं और हम आभासी कक्षा में का हिस्सा बन रहे हैं, ऐसे समय में भी संगीत की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें रिलैक्स करती है, हमें टेंशन फ्री करती है, हमें निरोगी रखती है, हमें चरित्रवान बनाती है, हमारे पर्सनालिटी को डेवलप करती है, बैलेंस्ड करती है और भी न जाने क्या क्या। हम बहुत बड़ी बड़े सिर और बहुत छोटे मन वाले ना हो जाएं, इसका भी ख्याल रखती है। तो ऐसी अगाध विद्या, ऐसी जिसका जो अनंत है, अपार है, जो हमें विमुक्ति की ओर, मुक्ति की ओर ले जाती है, ऐसी विद्या कक्षा का हिस्सा क्यों ना हो, जरूर अवश्य अवश्य होगी और अवश्य है। आप सभी इससे जुड़े आज के इस संवाद से मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर सोमू सिंह जी की कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सोमू सिंह जी का मैं कमेंट पढ़ रही हूँ कि विश्वविद्यालय का कुलगीत जरूर। जब मैं आप लोगों को भी बताया करती थी कि राग दरबारी में ये कुलगीत जो है निबद्ध है और आपको जरूर सुनाती हूँ, उसकी उसका प्रारंभिक स्टैंजा जरूर सुनाऊंगी। मैं इससे इसको अपने विषय से संबद्ध करके बात कहना चाहूंगी कि राग रागिनियां भी मानव को बहुत प्रभावित करते हैं। ये जो हमारा कुलगीत है वो राग दरबारी में निबद्ध किया गया है। दरबारी ऐसा राग था कि जब राजा थक जाते थे दैनिक अपना कार्य राज दरबार का करके, तो शाम के समय अपने को रिलैक्स करने के लिए राग दरबारी, उसके कुछ स्वर ऐसे हैं जो कि रिलैक्स करते हैं। तो आपको सुनाती हूँ महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की इस पावन भूमि और विश्वविद्यालय का ये कुलगीत है। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी, राजधानी।
तीन लोक से न्यारी काशी सुज्ञान धर्म और सत्य राशि बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। और कुलगीत की का जो अंतिम स्टैंजा है, ये मालवीय जी की देश भक्ति, ये अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। दरबारी का स्वरूप इसी से जुड़ा है। सारे गम पद धनी सा साधनी प म प ग म रे सा रे सा धनी सा। तो ये इसका स्वरूप था दरबारी का, और हमें ये रिलैक्स करता है बहुत, इसीलिए कुलगीत भी इतना सुंदर लगता है। और इसे सुन के जो भी विद्यार्थी, नया विद्यार्थी जब प्रवेश लेता है तो उसका मन एक उस हमारे विश्वविद्यालय में का हिस्सा बनने के कारण गर्व से भर जाता है, क्योंकि इसके स्वर संयोजन ऐसा है, इसका इसके शब्द ऐसे हैं। इतने महान वैज्ञानिक शांति डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी द्वारा लिखा हुआ, जो कि हमारे हमें चारित्रिक रूप से बहुत बलवान करता है। अगर हम इससे जुड़े और हम इसके माध्यम से अपने अंतःकरण को भी शुद्ध कर सकते हैं, शिक्षण में शुद्ध अंतःकरण का भी बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है कि शुद्ध अंतःकरण से हम शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा दें। तो समूह जी, मैं सब आज जुड़ने वाले सभी सबको मैं नमस्कार करती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के इस आज आप सभी लोग इससे जुड़े। एक मुझे अन्य गुरु से संबंधित एक छोटी सी बंदिश याद आ गई, साझा करना चाहती हूँ। राग चारुकेशी में ये निबद्ध है। गुरु बिन ज्ञान न हो, गुरु बिन ज्ञान न हो, यही
सब कोई गुरु बिन ज्ञान न हो ज्ञान दियो कृपा तिहारे ज्ञान दियो कृपा तिहारे दूर कियो भ्रम खोल किवारे दूर कियो भ्रम खोल किवारे गुरु बिन ज्ञान आनन होइ गुरु बिन ज्ञान गुरु बिन ज्ञान गुरु बिन ज्ञान। आप सभी शिक्षक हैं, आप अपने विद्यार्थियों से जुड़ेंगे, आप ऐसे गुरु सिद्ध होंगे जो अपने शिष्यों से अपने विद्यार्थियों से उनका तनाव हरण करते हुए उन्हें शिक्षा देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसमें संगीत की कक्षा हमेशा हमेशा सर्वदा सर्वदा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सोमू जी। आप कह रहे हैं कि अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला, लेकिन अगर सत्य कहूँ तो ऐसे जुड़ने की मुझे हमेशा इच्छा रहती है। आप जैसे ऊर्जावान युवा हमेशा मुझे ये प्रेरित करते हैं, और आप प्रेरित करते रहें, मैं जुड़ती रहूँगी। आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत सारे कमेंट्स में देख रही हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ।